आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप भटकोटी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आज़ादी के बाद 1947 के बाद 75 साल पूरे होने जा रहे हैं इस 15 अगस्त को आज़ादी भारत देश की आज़ादी को। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐतिहासिक अभियान है इसमें भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और आज हम रुद्रप्रयाग में हैं और ये अगस्त मुनि का प्रांगण है और हमारे साथ केदारनाथ की विधायिका हैं श्रीमती शैला रानी रावत जी। यहाँ पर आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया है और एक तिरंगा रैली जो है वो भी यहाँ पे आयोजित की गई है और इसके साथ ही प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर भी एक जागरूकता परक अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसी संबंध में हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार कुछ अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में। आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से पूरे देश में आज़ादी का जो ये महोत्सव है तिरंगा यात्रा को लेकर घर घर गली गली और हर मोहल्ले में जन जागरूकता अभियान भी है जो कि देशभक्ति का प्रतीक है और बड़े जोश और उमंग से महिलाएं, बालक, विद्यार्थी और पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है और इस बार नया ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तिरंगा यात्रा निकली और अब वहाँ यहाँ पे मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और मैं ये कहूँगी एक अलग तरह का उत्साह और उमंग आज देखने को मिल रहा है। ये हमारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हर भारतवासी के हृदय में देशभक्ति जो है हिलोर ले रही है। तो मैं एक और कार्यक्रम यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं कि केदारनाथ विधानसभा में जो हमारे बाहर से यात्री आते हैं या हम लोग यहाँ पे जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको यहाँ से जो है सफाई अभियान के तौर पे इसको केदारनाथ तक दूर करना है, उसको भी यहाँ से शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर भी जिला प्रशासन और आपकी तरफ से एक नया अभियान भी शुरू किया गया कि अगर आप प्लास्टिक की खाली बोतल देते हैं उसमें आपको 10 रुपये दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट टाइप का ये पहली बार पूरे देश भर में पहला ऐसा अभियान दिख रहा है आपकी विधानसभा में और यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और मैं पूरी मेरा प्रयास भी होगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में हम प्लास्टिक उन्मूलन को और कचरा हटाओ अभियान को पूरा करके इस देश को स्वच्छ और निर्मल रखेंगे, अपनी गंगा नदी को निर्मल रखेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ ये भी बहुत सुंदर जन जागरूकता अभियान है, इसकी भी आज यहाँ से शुरुआत। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और केदारनाथ के आप विधायक हैं, केदारनाथ के धाम से या इसकी तपस्या से क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि जिस तरह पीएम मोदी ने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किया है? मैं केदार धाम से और केदारवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम देशभक्ति के प्रति जिस तरह से जो भाव देखने को मिल रहा है, एकता और अखंडता और इस देश की पवित्रता को हम बनाए रखें, तो ये मेरा संदेश है। और जन जागरूकता अभियान जो भी है उसमें पूरा जनमानस भाग ले ताकि हमारा ये देश स्वच्छ और सुंदर हो, निर्मल हो, हमारी गंगा नदी निर्मल रहे, हमारे जो पवित्र धाम है वो बहुत रमणीक और स्वच्छ रहें ताकि जो हमारा प्रकृति का संतुलन है वो बना रहे और पर्यावरण स्वच्छ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद इसमें केदारनाथ की विधायिका शैला रानी रावत जी, उनका साफ कहना है कि जो अभियान, जो ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा अभियान है, केवल अभियान के साथ साथ एक हम जागरूकता पर कार्यक्रम भी तमाम स्तर पर चला रहे हैं और कहना केदारनाथ धाम से जो हम वो प्लास्टिक उन्मूलन का जो एक अभियान चला रहे हैं वो पूरे देश भर में एक प्रेरणादायक बनेगा और लोगों में एक नई सोच पैदा होगी। नमस्कार। Matram! 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 Matram!